हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने भी अपने फेसबुक अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किए हुए यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखे हैं और अभी आप अपने आईडी को लॉगिन करने जाते हो तो आपको इस तरीके का पेज शो करता है जहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई आप अपने इस फ़ोन में जाइए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बट आपको कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी कोड नहीं मिलता है। और अगर आप नीचे ट्राई अनदर वे पर क्लिक करते हो तो भाई वहाँ पर आपको जो है तीन ऑप्शन आता है। पहला आपको जो आपका डिवाइस के बारे में कि भाई आपका जो ट्रस्ट डिवाइस है जिसमें आप पहले लॉगिन किए थे उसको क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको जो है अपने उस नंबर को जिस नंबर से आपने जो है पहले टू स्टेप को ऑन किया था टू फैक्टर को उससे आप जो कोड मंगा सकते हो। आप तीसरा आपको मिलता है बैकअप कोड का। बट दोस्तों, अगर आप अपना नंबर पे क्लिक करके कोड मंगाने की कोशिश करते हैं तो भाई आपको लॉगिन कोड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कैसे आप अपने जो है फेसबुक अकाउंट के टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑफ कर सकते हो, कैसे अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर बिना स्किप करके एंड तक देख लेते हो 100% आपका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे कॉमेंट जरूर पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम दबाए अपने जो मोबाइल के स्क्रीन पर और सारा चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। दोस्तों, अभी आ गए हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आप यहां पे लाइव प्रूफ देखिए। जैसे मैं अपना फोन नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने दोस्तों एक नया पेज शो करता है जहां पे बताया जा रहा है कि भाई आप अपने जो है इस डिवाइस में जाओ। नीचे डिवाइस का नाम भी आता है, जैसे कि आप देख सकते हो OnePlus 10R, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिला होगा। बट दोस्तों, आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करते हो, यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपके पास वो फोन नहीं है तो आपके सामने दोस्तों जैसे ट्राई अनदर वे पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आता है। पहले नोटिफिकेशन अनदर डिवाइस का आता है जो कि हो सकता है आपके पास वो फोन नंबर नहीं है या फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दूसरा आपको मिलेगा टेक्स्ट मैसेज जिसमें दोस्तों आपको जो है आपका वो फोन नंबर दिखाया जाता है, लास्ट का दो अंक जिससे आपने टू स्टेप को ऑन किए थे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किया था। इस पर अगर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपको बताया जाता है भाई आपके नंबर पर कोड भेजा गया, आपके जो मैसेज में कोड भेजा गया। बट दोस्तों, आपको कोई भी यहाँ पे कोड रिसीव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, कैसे आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे रिकवर करोगे, कैसे दोस्तों आप अपना आईडी को यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे बिना टू जो है फैक्टर लॉग इन कोड यानी बिना जो है ओटीपी आप यहां पे कैसे अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे, इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यहां से बैक आना दोस्तों, उसके बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको अपने या फिर अपने फैमिली मेंबर का या फिर अपने किसी फ्रेंड का किसी दूसरे फेसबुक अकाउंट को आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। या फिर दोस्तों, अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप एक नया फेसबुक अकाउंट पहले बना लीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपना खुद का एक दूसरा जो है फेसबुक अकाउंट है पहले इसको मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो आप भी अपने या अपने फैमिली का या फिर किसी का भी एक फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे करना क्या है, जो चीज मैं बताऊंगा उनको ध्यान से समझना है और देखना है आपको। दोस्तों, कॉर्नर पे आपका प्रोफाइल आइकन मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको अपना प्रोफाइल आइकन जो है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप कॉर्नर के प्रोफाइल आइकन या फिर थ्री लाइन जो शो करेगा इस पर क्लिक करोगे तो यहां पे दोस्तों आपको करना क्या है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और लास्ट में मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी करना है। और दोस्तों, ये आपको दूसरे अकाउंट में करना है, आपको उस अकाउंट में नहीं करना है जिसको आपको जो लॉगिन करना है। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, नए अपडेट के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज शो करेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर में है अकाउंट सेंटर और उसके नीचे आपको मिलेगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी दोस्तों आपको फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना फेसबुक अकाउंट जो है उस पर क्लिक करना है और ये दोस्तों आपका दूसरा अकाउंट पे आपको करना होगा। यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा तो आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है अपने उस अकाउंट का। अगर दोस्तों पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पे फॉरगॉटन पासवर्ड करोगे। और दोस्तों, ये दूसरे अकाउंट पे करना है, मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, आपको उस अकाउंट पे नहीं करना। दोस्तों, जैसे पासवर्ड देके करोगे तो इस तरीके का आएगा, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज SMS वाला जो दूसरा नंबर का है उस पर आपको टिक करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। आपको जो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी की, टेक्स्ट मैसेज इसका, तो आपको जो है टेक्स्ट मैसेज वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको जो है नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों वही नंबर देना है जिसमें आपका कोड नहीं आ रहा है, यानी जो नंबर आपके उस अकाउंट के साथ जो है ऐड है, उस अकाउंट में टू स्टेप में आपने जो है ऐड किए हो, ठीक है, वही नंबर आपको देना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ध्यान रहे, सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर देके आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का आपको शो करेगा, आपके नंबर पे कोड जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों उस कोड को यहाँ पे
पे आपको एंटर करना है और सिंपली आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे कोड देके आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे तो आपको दोस्तों इस तरीके का यहाँ पे शो करेगा। सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूज दिस नंबर आएगा या फिर नॉट नाउ आएगा, दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना है। अब होगा क्या दोस्तों, वो नंबर आपके इस जो है फेसबुक अकाउंट के साथ जो है जुड़ जाएगा, तो उसमें से दोस्तों ऑटोमेटिकली हट जाएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। यहाँ पे आप करना क्या दोस्तों, इससे बैक कर लेना है। अब आपको फिर से उसी अकाउंट को लॉगिन करना है जिसे आप लॉगिन करना चाहते थे, अपने पहले अकाउंट को आपको यहाँ पे लॉगिन करना। तो चलिए मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करके सिंपली यहाँ पे लॉग इन टू हम लोग अनदर अकाउंट पे क्लिक करके दोस्तों उस अकाउंट को लॉग इन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सेम अकाउंट है दोस्तों और ये 100% दोस्तों आपका जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉग इन टू अनदर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर से मैं अपना जो है फोन नंबर और पासवर्ड देकर लॉग इन पे क्लिक करूंगा। और थोड़ी देर आप अगर यहाँ पे वेट करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों कि आपका जो अकाउंट है दोस्तों 100% यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ी देर वेट करें, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, आपको कुछ ही नहीं करना है, बस वेट करना है। जैसे यहाँ पे नंबर और पासवर्ड देके या फिर ईमेल और पासवर्ड देके लॉग इन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन हो गया, कोई भी कोड हमें नहीं मिल लगा। ठीक है, यानी अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर आपका टू स्टेप में उस अकाउंट में जिसे आप लॉग इन करना चाहते हो उसी नंबर को दूसरे जो है अपने फेसबुक अकाउंट के साथ जो कनेक्ट कर देना है, टू स्टेप को ऑन कर देना, ये ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका लॉग इन हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।